रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवा आश्रम संघ, ये हमारे बंगाल की आध्यात्मिक पहचान है। यहां की सीएम मंच पर से इन महान संस्थाओं को धमका रही है और इस धमकी ने टीएमसी के गुंडों का हौसला भी बढ़ा दिया है। पता चला है कि जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम में कल रात को तोड़फोड़ की गई है। आश्रम में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है, उनको धमकी दी गई है। ये बंगाल को अब किस तरह ले जा रही है टीएमसी सरकार? कभी बंगाल में रामकृष्ण मिशन को धमकियां मिलेगी, आश्रम में तोड़फोड़ होगी, क्या किसी देशवासी ने कभी सोचा था? लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार हद पार कर रही है। रामकृष्ण मिशन का अपमान, हमारे संतों का यह अपमान बंगाल कभी भी सहन नहीं करेगा। और पूरा देश जानता है मेरे जीवन को गढ़ने में रामकृष्ण मिशन का कितना बड़ा योगदान है, मेरा रामकृष्ण मिशन से कैसा निकट का नाता है। प्रधानमंत्री होने के बाद भी जब भी अवसर मिला, अगर रात्रि को रुकना था तो रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के साथ जाकर के रुकता हूं। साथियों, कांग्रेस और टीएमसी के लोगों ने हमेशा आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोका है। आपको पता है ना, देश में पहली बार एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। लेकिन आदिवासी महिलाओं को चुनाव हराने के लिए कौन कौन पार्टियां इकट्ठा हुई थी? ये सारे टीएमसी वाले, ये सारे कांग्रेस वाले, ये सारे वाम वाले, इन सब ने देश की आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनने से रोकने की दिन रात कोशिशें की थी। लेकिन मोदी है, उनके आगे उनकी चलती नहीं है। टीएमसी ने अपनी पार्टी के नेता को उनके खिलाफ उतारा था। आप मुझे बताइए, जो लोग आदिवासी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहते, उन्हें आप लोगों के पास आकर के वोट मांगने का अधिकार है क्या? उन्होंने आपसे विश्वासघात किया है कि नहीं किया है? आपसे अन्याय किया है कि नहीं किया है? तो ऐसे लोगों को घुसने देंगे क्या? साफ कर देंगे ना इस चुनाव में? साथियों, मोदी बंगाल के विकास के लिए काम कर रहा है। 2019 में आपने बीजेपी को मौका दिया, मैंने विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी। हमने झारग्राम में नया मेडिकल कॉलेज खोला, हमने बंगाल की रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए काम किया, हमने यहां झारग्राम चाकुलिया की तीसरी लाइन का निर्माण किया, रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया, हमारा झारग्राम स्टेशन भी अमृत स्टेशन बन रहा है। लेकिन साथियों, जहां कानून व्यवस्था तबाह होती है, वहां निवेश पर भी असर पड़ता है और उद्योगों का विकास भी नहीं होता है।
हमारा मेदिनीपुर और तामलोक उद्योग की संभावनाओं से भरा हुआ है। वहां पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की अपनी पहचान रही है। लेकिन इतने साल से टीएमसी बंगाल में काबिज है, टीएमसी सरकार ने आके उद्योगों को आगे नहीं बढ़ने दिया। और सिर्फ तामलुक की ही बात नहीं है, ये पूरे बंगाल का दुर्भाग्य है। साथियों, आपका एक वोट टीएमसी के पूरे सिंडिकेट पर भारी पड़ेगा। इस बार पार्टी ने तामलुक से जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जी और कांथी से सोमेंदु अधिकारी जी को जिम्मेदारी दी है। आप झारखंड से मेरे साथी डॉक्टर प्रणव टुडू को भी भारी वोटों से जिताए। तामलुक में और झारखंड में आपका दिया हुआ हर वोट सीधा मोदी के खाते में जमा होगा। इनको दिया गया एक एक वोट बंगाल को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाएगा। मोदी आपके सपने पूरे करने के लिए दिन रात काम करेगा। आप मेरा एक काम करेंगे, जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे आप? गांव गांव ज्यादा से ज्यादा परिवार में जाना और हर परिवार में जाकर के कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, मेरा जोहार पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.